हेलो गाइस, नाइस टू मीट यू अगेन. माई सेल्फ नेहा. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, फर्स्ट फेसेस आ के साउंड के बारे में, जिसमें हमारा डार्क डॉट लगना था, जिससे रिलेटेड वर्ड्स थे काम, बाम, फाम, पाम, अशा, ये से रिलेटेड वर्ड थे. आप देख पा रहे होंगे वीडियो के अंदर, आपको दिख रहा है सही से. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अपना सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और सबकी फर्स्ट फेसेस. उसकी एक जो सेकेंड पार्ट का फर्स्ट फेस होता है, जिसमें हमारे आओ का, पाओ का साउंड आता है, वहाँ पर हमारा डार्क डैश लगता है. जो थर्ड पार्ट होता है, उसकी जो फर्स्ट फेसेस होती है, उसके अंदर हमारा एट, ए का साउंड आता है, जिससे रिलेटेड वर्ड बनता है दैट. तो इसमें हमारा क्या लगता है, लाइट डॉट बनता है. तो इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं. इससे रिलेटेड वर्ड गाइस ये हैं, जैसे कि सेकेंड पार्ट का फर्स्ट फेस, उसमें रिलेटेड है कि जैसे कि हमारा पाउड वर्ड है, तो पाउड का कैसे बनेगा, पी अबव द लाइन, फिर डी, फिर हमारा डार्क डैश लग गया फर्स्ट फेसिस पे. फिर हमारा आ गया पाओ, ये भी हमारा अबव द लाइन है. आप ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट फेसिस होते हैं उसकी जो आउटलाइंस होगी वो अबव द लाइन होती है. ठीक है, फिर हमारा बनता है पॉल, ये हमारा पी करके, फिर एल, फिर डार्क डैश, फिर टॉल बन गया, भी हमारा अबव द लाइन. फिर हमारा चौक बन गया, फिर चक, फिर के, फिर डार्क डैश करके. तो ये हो गए हमारे फर्स्ट फेसिस सेकेंड पार्ट से रिलेटेड. ठीक है, जिसमें हमारा आओ, आओ का साउंड आएगा. आओ ध्यान रखना कि पाओ, टॉल, चौल, ओ, जो साउंड होता है, प्रोनंसिएशन होती है, बहुत मैटर करती है वोवल्स के अंदर. उससे ही हम लिख पाते हैं कि ये वर्ड कैसा बनेगा, उसके ऊपर कौन सा वोवल्स आएगा और कौन सी प्लेसेस पे आएगा. ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पार्ट फर्स्ट प्लेस पे. थर्ड पार्ट फर्स्ट प्लेस पे ये होता है कि उससे रिलेटेड ये वर्ड हमारे, जैसे पैक, मैंने आपको बताया था ए का साउंड आया दैट का, पैक, पी करके, के, फिर ए का लाइट डॉट लग गया. फिर हमारा बनता है बैक, बी डार्क, फिर के, फिर लाइट डॉट, बैक. फिर आता है टैप, टी अबव द लाइन, फिर पी, फिर लाइट डैश लग गया, लाइट डॉट लग गया. फिर आता है हमारा कैप, ये भी हमारा अबव द लाइन, फिर हमारा पी, आफ्टर साउंड लग गया हमारा वोवल का, ए का लाइट डॉट. ऐसे बनता है हमारा कैच, ऐसे करके, फिर लाइट डॉट लग गया फर्स्ट बेसिस पे. तो गाइज, ये तो हो गए हमारे सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट और उनकी फर्स्ट बेसिस. ठीक है, ये आप ध्यान से देख लीजिए वर्ड कैसे कैसे लिखे हैं, ध्यान से देख लीजिए. ठीक है, मैं आपको अपना फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट बेसिस भी दिखा देती हूँ, जो मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को, मेरी प्रीवियस वीडियो में भी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बिफोर और आफ्टर के बारे में भी समझाया था कि वो कैसे क्या करना है. ठीक है, पता होना चाहिए कि हमारे वोवल्स की क्या आउटलाइन है स्ट्रोक्स की, और उस पर कौन से प्लेसेस पे हमारे वो वोवल्स आ रहे हैं, तो वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है. आप एक चार्ट बना लीजिएगा, जिसके ऊपर आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट लिख लें. आज मैंने फर्स्ट प्लेसेस सिखाई आपको, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट की. नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फोर्थ पार्ट की फर्स्ट प्लेसेस सिखाऊंगी. ठीक है गाइस, ऐसी सेकेंड दो प्लेसेस और बाकी हैं, जब अभी तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक दो तीन, मतलब तीन आपने वोवल्स वाले सिंपल वाले कर लिए हैं, फोर्थ तो आपको मैं समझा दूंगी, फिर बाकी के हमारे रेस्ट रह जाएंगे, वो भी हम कर लेंगे. अभी की प्रैक्टिस के लिए आप ये वर्ड देख लीजिए. ठीक है, तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, आप देख पाएंगे. जैसे कि इसमें सारे मिक्स दे रखा है, मैंने आपको डार्क डॉट सिखा दिया था काम, लाइट डॉट सिखा दिया कैम. ठीक है, तो ये मैंने आपको ये चीज़ें सिखा दी. फिर मैंने आपको सिखाया पॉड, जिसमें हमारा डार्क डॉट, डार्क डैश लग रहा है. तो 1 2 3, ये तीन वर्ड्स मैंने आपको सिखा दिए हैं. ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपके लिए वर्ड भी लेकर आऊँगी, ग्रामर लॉग भी आपको ये दिखाऊंगी कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है कैसे. पहले जब आप पूरे वोवल्स सीख लो, तो उसके बाद मैं आपको ये दूंगी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए. तो अभी गाइज, आज की वीडियो में इतना ही. आप ध्यान से देख लीजिए, इसको रिवर्स करके पॉज करके भी देख लीजिएगा, इन वर्ड्स को पॉज करके भी देख लीजिएगा. ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. थैंक यू गाइज, गुड बाय.